बारिश का कहर लगातार परेशान होते लोग और बिगड़ती हुई दशा। चलिए डालते हैं इस खबर पर नजर। मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। 55 लोगों की मौत की खबर आ गई है और वहीं एहतियातन तौर पर 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और ये चेतावनी भी दी गई है कि अगले 24 घंटे तक कोई राहत नहीं मिल सकेगी। यूपी के कुछ जिलों में हो रही भारी बारिश ने जो तबाही मचाई है, लोगों की नींदें उड़ गई हैं। बारिश से गांव में बड़े पैमाने पर जो कच्चे घर थे वो धराशायी हो गए हैं, क्योंकि लगातार बारिश से सहन नहीं कर पाए हैं कच्चे घर, जिसके चलते गिर गए हैं और इसमें दबने से लोगों की मौतें हुई हैं। ज्यादातर मौतें घर गिरने से दबने के चलते हुई है और पिछले 24 घंटे में अवध में 15 मौतें हुई हैं, प्रयागराज में 14 हुई हैं, पूर्वांचल में 17 हुई हैं, बुंदेलखंड में 7, सहारनपुर में और कानपुर में एक एक व्यक्ति की जान गई है। उधर लगातार बारिश को देखते हुए लखनऊ में इंटर तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से तबाही मच रही है उत्तर प्रदेश में और अभी अलर्ट जारी है, 55 लोगों की मौत हो चुकी है, तो इसी के चलते राहत के चलते बच्चों को असुविधा ना हो उसी के कारण 12वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं लखनऊ में। इसी तरह के आदेश सरकार द्वारा जारी किए गए हैं ताकि जनहानि ना हो।